तो सीताराम भाई सारे ना, तो गाइस पिछले कुछ दो दिनों से मेरे प्रिडिक्शन सही नहीं थे, लेकिन पिछले दिन मैंने कल के मुकाबले में कमाल ही कर दिया। आपको इतना खतरनाक प्रिडिक्शन दिया जो कि किसी ने पूरे सोशल मीडिया पर भी नहीं दिया था। मैंने ऋतुराज गायकवाड़ को कहा था कप्तान बनाओ, मार्कस टोनिस को कहा था टीम में रखो, दीपक चहर को कहा था, लगभग मैंने सभी के सभी खिलाड़ियों को कहा था। और मैं आपको सबूत भी दूंगा जो कि मैंने टेलीग्राम पर आपको बिल्कुल ही डिटेल में बताया था, वीडियो में भी बताया था, लेकिन टेलीग्राम पर उससे भी ज़्यादा डिटेल में मैंने आपको हर एक खिलाड़ी के बारे में बताया था कि किस खिलाड़ी का कैसा प्रदर्शन रहने वाला है इस मुकाबले में। कल मैंने गाइज आपको वीडियो के शुरू में ही कहा था कि मंगलवार वाले दिन मेरा एक भी प्रेडिक्शन गलत नहीं होता, आप ये भूल जाओ कि गलत हो भी सकता है। और कुछ पैसा भी हुआ, मंगलवार वाले दिन मेरा एक भी प्रेडिक्शन नहीं हुआ गलत। तो गाइज मैं आपको सबूत दिखाने से पहले कुछ बताना चाहता हूँ। तो गाइज इस खतरनाक प्रेडिक्शन की शुरुआत करने से पहले अगर आप टॉस मैच सेशन का एक्यूरेट रिपोर्ट जानना चाहते हो तो आप संजू भाई से कॉन्टैक्ट करें, इनका काम बहुत बेहतर होता है, मैंने पर्सनली खुद चेक भी किया है। तो चलो गाइज अब आप सबूत देख ही लो जो कि मैंने कल आप सभी को बताया था। कल मैंने आपको वीडियो में केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक के बारे में बताया था, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर टेलीग्राम पर बिल्कुल स्पष्ट इन दोनों खिलाड़ियों के बारे में बता दिया था। और मैंने वीडियो के शुरू में ही नाम, पहला नाम लिखा था कि इस मुकाबले में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहने वाला है, वो खिलाड़ी हैं ऋतुराज गायकवाड़, आप ध्यान से देख लीजिए। और मैंने ये बहुत सारे खिलाड़ी भी लिखे थे, इनको भी आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। तो ऋतुराज गायकवाड़ के बाद मैंने महेश पैथिराना का कहा था बहुत बढ़िया रहेगा, दीपक चहर का गया कहा था, दीपक चहर एक विकेट ले गया लेकिन उससे बस दो ओवर कराए थे, अगर वो चार ओवर करते तो ये मुकाबला गाइस पक्का चेन्नई सुपर किंग जीतती। लेकिन डी मिचल का मैंने आपको थोड़ा डाउट बाद में बता दिया था, इसलिए डी मिचल भी फ्लॉप हो गए थे। और एब डोनी का भी कहा था, एब डोनी को गाइस बारी नहीं मिली थी, वो पहले ही मैच जीत चुके थे। और गाइज आप पूछना चाहोगे कि मैंने 69% चेन्नई सुपर क्यों लिखा था, क्योंकि मैंने दोनों कप्तानों को कंपेयर किया था, केएल राहुल और ऋतुराज गायकवाड़ को, ऋतुराज गायकवाड़ के बहुत ही बढ़िया आंकड़े बने हुए ऐसे ही थी, इसीलिए मैंने चेन्नई सुपर किंग का बोला था कि 69% ये मुकाबला जीत सकती है, केएल राहुल के थोड़े कम अच्छे आंकड़े बने हुए थे, लेकिन एलएसजी के प्लेयरों के बहुत ही खतरनाक आंकड़े बने हुए थे। अगर लास्ट में चेन्नई सुपर किंग्स वाले एम रहमान की जगह है दीपक चहर से अगर दो ओवर डलवाते तो ये मुकाबला गाइस पक्का चेन्नई सुपर किंग्स जीतता, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स के दीपक चहर के राशि और उग्राओं के आंकड़े बहुत अच्छे बने हुए थे। इसीलिए गाइस चलो कोई बात नहीं, आज हम फिर से बात करने वाले हैं आज के मुकाबले के बारे में राशि और उग्राओं के अनुसार कि किस खिलाड़ी का कैसा प्रदर्शन रहेगा, कौन सी टीम ये विजय करने के बहुत ही ज़्यादा चांस है। तो चलो हम शुरुआत कर लेते हैं। तो ये मुकाबला खेला जाएगा दिल्ली वर्सेस गुजरात के बीच। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मुकाबले के बारे में, गुजरात टाइटंस के प्लेयर के बारे में। तो गुजरात टाइटंस की तरफ से सबसे पहले नाम आता है जिस खिलाड़ी का बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहेगा, वो खिलाड़ी हैं गुजरात टाइटंस के ही कप्तान खुद, यानी कि शुभमन गिल। शुभमन गिल के इस मुकाबले में राशियों और ग्रहों के अनुसार बहुत ही बढ़िया आंकड़े बने हुए हैं और इनका बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहने वाला है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि चेन्नई सुपर किंग्स के ऋतुराज गायकवाड़ का बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहेगा, वैसा ही प्रदर्शन आज के दिन इस मुकाबले में कुछ शुभमन गिल का रहने वाला है। आप समझ गए होंगे मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, इनका बहुत बढ़िया प्रदर्शन होगा, मतलब ये शतक भी लगा सकते हैं, 50 भी लगा सकते हैं। तो चलो अगले नंबर पर नाम आता है गुजरात टाइटन्स की तरफ से विजय शंकर का। विजय शंकर का भी राशियों और ग्रहों के अनुसार बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहने वाला है इस मुकाबले में, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी विजय शंकर का दोनों में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहेगा। तो गाइस आज के दिन मेरे पास कमी खिलाड़ियों की जानकारी है, राशियां चेक की हैं, इसीलिए मैं आपको गिने चुने ही खिलाड़ियों के बारे में बताऊंगा। तो अगले नंबर पर नाम आता है शुभमन गिल और विजय शंकर के बाद जोश लिटल का। अगर जोश लिटल इस मुकाबले में खेलते हैं तो जोश लिटल का भी बिल्कुल ही शानदार प्रदर्शन रहने वाला है। तो गाइस इस मुकाबले में मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि आप जहाँ पर भी इन्वेस्ट करें अपने कैपिटल का बहुत ही छोटे से छोटा पार्ट इन्वेस्ट करें। तो चलो अब हम बात कर लेते हैं दिल्ली कैपिटल्स के बारे में, दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से आपको किस खिलाड़ी का कैसा प्रदर्शन नजर आएगा, चलो देखते हैं। तो दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से आपको इस मुकाबले में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिलेगा दिल्ली के ओपनर बल्लेबाज पृथ्वी शाह का। पृथ्वी शाह का इस मुकाबले में शानदार प्रदर्शन रहने वाला है। पृथ्वी शाह के साथ साथ अगले नंबर पर नाम आता है गाइज डेविड वार्नर का। डेविड वार्नर पर मुझे थोड़ा सा डाउट भी है, लेकिन डेविड वार्नर का मेरे अनुसार बाकी इस मुकाबले में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहने वाला है, लेकिन थोड़ा सा डाउट भी है। और अगले नंबर पर नाम आता है दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाज फास्ट बॉलर
खलील अहमद का। खलील अहमद का भी इस मुकाबले में शानदार और बढ़िया प्रदर्शन रहने वाला है राशियों और ग्रहों के अनुसार। और अगले नंबर पर नाम आता है गाइज टी स्टब्स का। अगर टी स्टब्स को बैटिंग मिलती है तो टी स्टब्स का भी बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन रहने वाला है। बॉलिंग बैटिंग में दोनों में बहुत बढ़िया करेंगे। अगर इनको बारी मिलती है, अगर इनकी बारी आती है तो टी स्टब्स का भी बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहेगा। टी स्टब्स के साथ साथ अगले नंबर पर नाम आता है गाइज ऋषभ पंत का। ऋषभ पंत का इस मुकाबले में मध्य प्रदर्शन तो पक्का ही रहने वाला है, यानी कि मध्य प्रदर्शन तो करके ही देंगे, लेकिन वे मध्य से थोड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा भी कर सकते हैं। तो आप पूछना चाहोगे कि इस मुकाबले में कौन सी टीम जीतेगी, तो मैं बता दूं इस मुकाबले में वैसे तो जीटी के कप्तान शुभमन गिल के बहुत अच्छे आंकड़े बने हुए हैं, लेकिन मैंने सभी खिलाड़ियों के बारे में चेक नहीं किया, इसलिए मैं आपको आज कन्फर्म नहीं बता रहा। ये मुकाबला कोई सी भी टीम जीत सकती है, लेकिन मैं आपको कन्फर्म बताने की कोशिश टेलीग्राम पर बताऊँगा कि किस टीम के ज़्यादा चांस है जीतने के। तो इसी के साथ साथ आप टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत ही कीमती इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसी के साथ साथ गाइज वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।